हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज के इस पार्ट में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द सॉइल, व्हाट इज सॉइल? सॉइल जो है वो अर्थ की अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर है। वेदरिंग होता है वो प्रोसेस जिसमें रॉक्स ब्रेक होके सॉइल बनाती है। तो उसकी सबसे ऊपर की लेयर है अर्थ क्रस्ट की। और यहाँ पर हमें पता है कि ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस क्या होता है? जो डेड होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, उनकी बॉडी डीकम्पोज होनी शुरू हो जाती है और उसके जो बचे हुए हिस्से हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज एडेड इनटू दिस लेयर। क्योंकि प्लांट्स ऊपर ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ऊपर ही रहते हैं, तो उनकी जब डेड बॉडी होती है वो डीकम्पोज होके या उनका जो वेस्ट होता है वो डीकम्पोज होके सॉइल की ऊपर की लेयर में ही रहता है। एंड इट फॉर्म्स ह्यूमस विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। Now, what are the functions of soil? हमें पता है soil एक medium है जिसमें plant की growth होती है और इसके कारण ही हम यहाँ पर crops उगा सकते हैं। हम plants को grow कहाँ पर करेंगे अगर soil नहीं होगी तो? उसके अलावा soil plants को nutrients देती है और जो soil में plants हैं, animals हैं, उनके life cycle में soil बहुत important role play करती है। क्योंकि उनको जो जो भी अल्टीमेटली फूड मिलता है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट्स लेते हैं, फिर उनसे एनिमल्स लेते हैं। तो ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ पर ही हम लोग प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, चाहे हम उसमें फर्टिलाइजर ऐड करें या ना करें। उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल से ही वाटर मिलता है और रेन वाटर सॉइल के अंदर ही चला जाता है एज ग्राउंड वाटर, और वो भी हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक अच्छी सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है हम मानते हैं, क्योंकि सॉइल से ही प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हमारी क्रॉप अच्छी हो, उसके लिए हमारी सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड सॉइल? वो सॉइल जो है सॉफ्ट होती है, जल्दी ब्रेक हो जाती है। ऐसे नहीं है कि उसमें बहुत सारे हार्ड स्टोन्स हैं। उसमें ड्रेनेज आराम से हो जाती है, मतलब पानी आराम से निकल जाता है और स्प्रिंग में वो गर्म भी हो जाती है अच्छे से। उसमें क्रस्ट नहीं बनती इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इस तरह से नहीं होती है क्रस्ट फॉर्मेशन। हैवी रेन को भी वो सोक कर लेती है और रन ऑफ कम होता है। रन ऑफ मीन्स ऊपर से पानी निकल जाता है, जो वो बहुत कम होता है कि बारिश का पानी ऊपर ऊपर से ही निकल जाए, सॉइल के अंदर ना जाए। तो उसमें मॉइस्चर भी रहता है ताकि कोई सूखा पड़ने के चांसेस ना हो। ड्रॉट पीरियड, सूखे वाले पीरियड के लिए भी वो मॉइस्चर को स्टोर करके रखती है। और उसमें जो है क्लॉड्स, पत्थर वगैरह या हार्ड स्टोन्स वो उसमें नहीं होते हैं। यानी कि कहीं पे बहुत ज्यादा हार्ड है सॉइल और कहीं पे सॉफ्ट है, वो अच्छी सॉइल है जिसमें प्लांट्स इजीली ग्रो कर सके। इरोजन नहीं होता है और न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है। इरोजन हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया था। इरोजन कब होता है? जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर उसके अंदर हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं। फिर उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, रिच और अर्दी स्मेल, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और उसमें कोई ज्यादा फर्टिलाइजर मेन्योर्स वगैरह हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें अच्छी क्रॉप वहां पर मिलती है, हाई क्वालिटी क्रॉप हमें मिलती है। तो जो हमारी सॉइल है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। थैंक यू।